गर्मी का असर इस कदर लोगों पर प्रभाव डाल रहा है, सता रहा है लोगों को, चिड़चिड़ाती धूप सता रही है। और आपको बता दें कि जो दुनिया का सातवां अजूबा ताजमहल है, विश्व विख्यात इमारत है, वहां भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। गर्मी के चलते पर्यटकों का हाल बेहाल है। जो पर्यटक एक ख्वाब लेकर आते हैं कि ताज का दीदार करेंगे, ताजमहल को निहारेंगे, लेकिन वहीं जो गर्मी है, गर्मी से बुरा हाल पर्यटक को हो रहा है और सारे ख्वाब पर पानी फिर रहा है। जो उनकी चाहत है उस पर पानी फिर रहा है। आपको बता दें कि ताज दीदार करने आए पर्यटकों की आज तबियत बिगड़ गई। तबियत इस कदर नासाज हो गई कि उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक दर्जन से अधिक पर्यटकों की आज हालत खराब हो गई। गर्मी से वह त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। चारों तरफ गर्मी से हाल बेहाल नजर आ रहा है। इंसान तो इंसान, पशु पक्षी जानवर भी गर्मी से बिलबिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि ताजमहल पर पर्यटक किस प्रकार गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। पर्यटकों की हालत गंभीर होती जा रही है। ताज के दीदार की ख्वाहिश लेकर आए पर्यटक इस समय अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, क्या स्थिति देखने को मिल रही है अभी ताजमहल पर? देखो, आपको जिस तरह से बता दूं कि आज जिस तरह से गर्मी का जो टेम्परेचर है वो 49 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो ताजमहल है वहाँ जो पर्यटकों की कह सकते हैं कि बुरा हाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो संगमरमर के जो पत्थर हैं और ऊपर से जिस तरह से सूरज की जो तपिश है उसके चलते यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो पर्यटक हैं बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। और करीबन एक दर्जन के करीब यहाँ पर जो पर्यटक थे वो आज वो बेहोश होते हुए नजर आए और कई की तबियत, जैसे जिस तरह से तबियत बिगड़ने के मामले सामने आए हैं। सातवां अजूबा विश्व विख्यात इमारत है ये, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ मरती है। क्या कुछ संबंधित विभाग ने इंतजाम नहीं किए हुए पर्यटकों को देखते हुए और गर्मी को देखते हुए? इसके लिए अगर बता दूं तो यहाँ पर हेल्प डेस्क और ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेट पर सुविधा केंद्र भी बने हुए हैं। हालांकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि गर्मी बहुत है इसकी वजह से, और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि ताजमहल का जो एरिया है वो करीबन 40 से 45 मिनट अंदर जा सकते हैं, तो वहाँ इस तरह की कोई इंतजाम नहीं है। हालांकि मुख्य गुम्बद पर ये ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है, और जिस तरह बात की जाए तो बुजुर्ग लोगों में अगर जिस तरह से देखा जा रहा है तो उसमें कई जो जो पर्यटक है वो ज्यादा शामिल देखने को मिलता है। 48 डिग्री तापमान हो चुका है, लगभग 50 के आसपास पहुंच चुका है। बात करें पर्यटकों की संख्या की तो ताजमहल में एक दिन में कितने पर्यटक आ रहे हैं इस भीषण गर्मी के तहत? हाँ, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज यानी 49 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिला है और जो गर्मी है तो ये ताजमहल अगर बात की जाए, ताजमहल ही नहीं, आगरा किला हुआ और वहाँ जिस तरह से देखने को मिल रहा है अन्य जो मॉन्यूमेंट्स हैं तो वहाँ भी इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं कि लोग जो गर्मी के दौरान हालात इसको देखते हुए बच रहे हैं, लोग काफी सारे जो पर्यटक हैं वो इससे बच रहे हैं। लेकिन अगर देखी जाए तो आज करीबन एक दर्जन के करीब यहाँ पर पर्यटक देखने को मिले थे जिनकी तबियत बिगड़ गई। ये सिलसिला आज का ही नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। हालांकि जो ASI है उसने गाइडलाइन जारी कर दी है कि अगर आप ताजमहल देखने जा रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल या कोई लिक्विड साथ में लेके जाए, ताकि अगर आपको कोई जिस तरह की परेशानी हो तो उस दौरान आप उसका सहारा ले सकते। एक दर्जन से अधिक पर्यटकों की आज हालत खराब हुई, तो यदि पर्यटक की हालत ताजमहल पर बिगड़ जाती है तो कैसे उसे स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है, कैसे उपचार उसे प्रदान किया जाता है? आपको बता दूं जिस तरह से जो ताजमहल की अगर बात की जाए तो ताजमहल के अंदर हेल्प डेस्क ASI द्वारा जो हेल्प डेस्क की सुविधाएं वहाँ मुहैया कराई गई हैं। अगर जिस तरह से अगर ज्यादा कोई तबियत अगर बिगड़ती है तो उसके बाहर जैसे गेट के बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया गया है, और पश्चिमी और पूर्वी जो पार्किंग है वहाँ पर सुविधा केंद्र की देखने को मिलती है, वहाँ जो डॉक्टर्स हैं नर्स हैं वो वहाँ देखने को मिलती है, तो इस तरह की देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए अंदर से जो पर्यटक में, क्योंकि गर्मी है, गर्मी से काफी परेशानी होती है और ये लोग बाहर आते हैं तो उस तरह से काफी दिक्कतें मिलती हैं, क्योंकि वो एरिया है वो काफी लॉन्ग एरिया है जिसकी वजह से पर्यटक यानी ये इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ASI द्वारा हेल्प डेस्क की सुविधा तो दे दी गई है, लेकिन वो सुविधा कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही है।
पर्यटकों का इस पर क्या कहना है? क्या पर्यटक जो विभाग द्वारा उन्हें सेवाएं दी जा रही हैं, जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या पर्यटक इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? अगर पर्यटक जाए तो हालांकि जो स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें मिल रही हैं उसे तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर गर्मी की वजह से बात की जाए तो ताजमहल के अंदर अगर जैसे कल अगर देखा गया था, कल से और उससे पहले भी जब न्यूज खबर को प्रकाशित किया था तो उसे देखा गया था वहाँ पानी की काफी समस्याएं देखने को मिल रही है, क्योंकि जो टैंक है वहाँ पूरी तरह से खराब पड़े हुए हैं, तो उसको देखते हुए पर्यटक काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सुबह के समय जब वो कैप्चर किया गया था तो उसको देखते हुए वहाँ कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जहाँ पर जो दिन में अगर ये चीजें देखने को मिलेंगी तो ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आखिरकार क्या वजह है कि विश्वविख्यात इमारत पर पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की जो टंकियां हैं वो खाली पड़ी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसको लेकर अगर बात की जाए तो जो पर्यटन एएसआई है, एएसआई की जिम्मेदारी है पूरी से कि जो आप 8250 का अगर किसी पर्यटक यहाँ पर टिकट करके मॉन्यूमेंट की टिकट खरीद कर उसका दीदार करने आ रहा है तो पूरी जिम्मेदारी एएसआई की बनती है। हालांकि इसके बाहर भी काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पर्यटक यहाँ आता तो है लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ वो जब परेशानियों को फेस करता है तो यहाँ एक तरह से जी अपना जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समस्त जानकारी के लिए। आपको बता दें कि ताजमहल पर गर्मी का असर इस प्रकार नजर आ रहा है कि आज एक दर्जन से अधिक पर्यटकों की हालत खराब हो गई, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ को प्राथमिक उपचार दिया गया। गर्मी के चलते पर्यटकों का हाल बेहाल नजर आ रहा है और वहीं जो ताजमहल पर अव्यवस्थाओं का अंबार है वो भी लगातार जारी है, जिसका कोई मामले का संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है।